गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मेरे पियर यानी मेरे मायके आई हुई हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं पिछली बार जब आई थी तो यहाँ का दृश्य कैसा था, क्या क्या सब्जियाँ लग रही थी, और इतने दिनों बाद मैं आई हूँ तो यहाँ का दृश्य अब कैसा है, तो ये सब मैं आज आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन हुए, कैसा दृश्य है यहाँ का, क्या क्या नई सब्जियाँ उगाई हैं, क्या क्या फल लगने लगे हैं, तो ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर के पास जो अनार का पेड़ लगा हुआ है उसमें अनार लगने लगे हैं, फूल भी आ रहे हैं और कुछ अनार भी लगने लगे हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये पास में ही एक, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अनार लगने लगे हैं। तो ये देखिए, कुछ फूल भी आ रहे हैं, कुछ फूल लग रहे हैं, कुछ अनार भी लगने लगे हैं छोटे छोटे। और ये देखिए, सारे अनार में अनार लगने लगे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस अनार में अनार लगने लगे हैं, फूल भी आ रहे हैं और अनार भी लग रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहीं से मैं आपको शुरुआत से ही दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से हमारी बाड़ी की शुरुआत होती है। और ये देखिए, यहाँ पर ये जो अरबी बोलते हैं, घुइयाँ बोलते हैं, उसका पेड़ लगा हुआ है। और ये पालक लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए आप देख सकते हैं, फूल के पेड़ भी लग रहे हैं इसी बीच में। तो ये देखिए, वहाँ तक पालक लगा हुआ है और एक दो बैंगन के पेड़ उग रहे हैं। तो ये देखिए, वहाँ पर तितलियाँ भी उड़ रही हैं, फूलों का रस ले रही हैं। तो ये देखिए, मिर्ची का पेड़ भी लगा हुआ है। और ये देखिए, यहाँ पर पत्ता गोभी लगी हुई है, गेंदा हजारी के फूल भी लग रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर लग रहे हैं ककड़ी, जो पिछली बार छोटी थी अब कितनी बड़ी हो गई है, और इसमें बहुत सारी ककड़ी लग रही हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसी के जस्ट पास में जो बाड़ी है, इसमें आलू लगे हुए हैं और कुछ आलू खोद लिए हैं, कुछ आलू खोदने बाकी हैं। और ये देखिए, ये लगी हुई है पत्ता गोभी, और इसी पत्ता गोभी के बीच में कुछ पालक के बीज यानी पालक के पेड़ उग रहे हैं। यहाँ पर ये आलू के बीच में ही कुछ गाजर के पेड़ उग रहे थे, तो इनमें फूल भी आ गए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये गाजर का फूल है, ये इस प्रकार से गाजर का फूल लगता है। ये देखिए, ये फूल आ रहा है और यहाँ पर ये बीज बनना स्टार्ट हो गए हैं। देखिए, आप देख सकते हैं, ये गाजर का बीज लगेगा इसमें। ये देखिए, और ये देखिए, यहाँ पर जो आलू लगे हुए थे वो सारे आलू खोल लिए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस साइड में आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ये लगे हुए हैं बैंगन, और इनमें बैंगन लग रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लग रहे हैं ये बैंगन, बैंगन के पेड़। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये छोटे छोटे बैंगन लग रहे हैं, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट लगती है बैंगन की सब्ज़ी। ये देखिए, यहाँ पर ये सारे पेड़ों में लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब मैं पिछली बार आई थी तो यहाँ पर इसमें हकाई चल रही थी, और मैंने आपको बताया था कि इसमें अभी कुछ बोया नहीं है, भैया इसमें कुछ बीज लगाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर गिलकी के बीज लगाए हैं। और ये देखिए, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि यहाँ पर अभी जो है गिलकी में फूल लगने लगे हैं, और कुछ कहीं कहीं पर गिलकियाँ भी लग रही हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर गिलकी में फूल आने लगे हैं, और ये देखिए, भवरा फूल का रस भी ले रहा है। और ये देखिए, इधर कुछ गिलकियों में फूल आ रहे हैं, और इधर वाले गिलकियों में अभी फूल आना स्टार्ट नहीं हुए हैं। यानी दो प्रकार का बीज है ये, लगाए एक साथ थे। और ये देखिए, यहाँ पर गिलकी भी लगने लगी है, आप देख सकते हैं इसमें गिलकी लग रही है। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये छोटा पेड़ है, इसी के पास में जो पपीता लग रहा है, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े पपीते लग रहे थे, अब तोड़ लिए हैं और इन सारे पपीतों में पपीते लगने लगे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक लौकी का पेड़ लगाया हुआ है गिलकी के बीच में ही, बाकी सारे गिलकी के पौधे हैं।
और इनमें कहीं कहीं बीच में पालक भी उगा हुआ है। और अभी पानी करा था इसमें, लेकिन धूप इतनी तेज़ पड़ रही है कि पानी जल्दी से ही सूख जाता है। तो ये देखिए, और ये देखिए, और भी कुछ लौकी के पेड़ लगाए हैं इनमें। मतलब ये एक ही जो सरिया बनाया है, एक ही में लौकी के पेड़ लग रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर भी कहीं कहीं फूल आने लगे हैं गिलकी में, ये देखिए आप देख सकते हैं। पर अभी इधर गिलकी लगना स्टार्ट नहीं हुई है। और ये देखिए, यहाँ पर ये पपीते लग रहे हैं, पर इनको कपड़े से बांध दिया है, क्योंकि रात में जो कवर बिच्छू जो जिनको बोलते हैं हम हमारी भाषा में, तो वो आ जाते हैं और पपीते खा जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, तो इसलिए उनसे छुपाने के लिए इनमें बांध दिए हैं पपीते। तो ये देखिए, इसके अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पपीते हल्के हल्के पकने लगे हैं। तो लड़ैया, कबर बिज्जू और जो घोट कोहरा होता है, उनसे बचाने के लिए इन पपीतों को कपड़े से ढक दिया है, यानी कपड़े से बांध दिया है, जिससे कि ये उनको दिखे नहीं। तो उनसे जो है बचाने के लिए इन पपीतों को इस प्रकार से बांध दिया है कपड़े से, क्योंकि वो रात में जो है पपीते खा जाते हैं, आकर के जो पपीता पक जाता है या थोड़ा कम पका रहता है उसको खा जाते हैं, तो बहुत सारा नुकसान कर जाते हैं। तो इसलिए भैया ने जो है इस कपड़े से पपीते को बांध दिया है, ताकि पपीता जो है दिखे नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि पपीता पक गया है अंदर, कुछ कुछ पका है, मतलब पूरा नहीं पका है, अभी पीला हो गया है, पकने की कगार पर है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पपीता पकने लगा है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये पक गया है, और इसी के पास में जो पपीता लग रहा है ये भी पक गया है। तो ये सारे कपड़े के अंदर रखे हैं, ताकि जो जानवर है उनको दिखे नहीं। तो ये देखिए, ऊपर बिल्कुल हरे हैं, तो इनको नहीं खाएगा वो जानवर, तो इसीलिए इनको नहीं बांधा है। और ये देखिए, यहाँ पर भी इन पपीतों को बांध दिया है। और ये देखिए, यहाँ पर मेरा हाथ पहुँच नहीं रहा है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ऊपर है, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर ये पपीते भी पकने लगे हैं हल्के हल्के। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, इनको भी कपड़े से ढक दिया है। तो ये काफ़ी ऊंचाई पर है और मेरा हाथ पहुँच नहीं रहा है, तो मैंने आपको ऐसे दिखा दिया। बाकी पपीतों को इसलिए नहीं बांधा है, क्योंकि वो कच्चे हैं, और कच्चे पपीतों को तो सभी जानते हैं कि कौन खाता है, क्योंकि कच्चे मीठे भी नहीं लगते और थोड़े कड़वेपन पे लगते हैं, उनमें से थोड़ा ऐठांधापन लगता है, तो इसलिए जानवर नहीं खाते हैं। और ये देखिए, मैं और दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन हुए। और ये देखिए, जो सेजना था उसमें वो दगाल तोड़ तोड़ कर फली तोड़ी है, क्योंकि काफ़ी ऊँचाई पर पहुँच गए थे फली। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब यहाँ पर, जहाँ पर हमारी गाय बनती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है जामुन, और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें, पिछली बार जब मैं आई थी तो मैंने आपको दिखाया था कि फूल आ रहा है, और अभी इसमें जो है छोटे छोटे जामुन लगने लगे हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, और ये देखिए बहुत सारे इसमें जो है जामुन लगने लगे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आलू लगे हुए थे, और इनकी जगह पर जो है हकवाकर बाड़ी को ककड़ी और जो खीरा ककड़ी होती है वो, और गिलकी के बीज लगा दिए हैं। और ये देखिए, यहाँ पर इतने बड़े पेड़ भी हो गए हैं। तो ये देखिए, ये है खीरा ककड़ी, और खीरा ककड़ी के पत्ते थोड़े खुरदरे होते हैं इस प्रकार से। और ये देखिए, इनमें पानी भी कर दिया है सुबह के समय। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक सरिया है, इसमें आधे में पालक और आधे में धनिया लगाया है, और यहाँ पर भी गिलकी और ककड़ी के जो खीरा ककड़ी होती है उसके बीज लगाए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सरिये में बाजरा घास लगाया है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में घास की कमी होती है, तो हम इसको काटकर भूसे में मिलाकर गाय को खिलाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पर पीपल का पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पर केल का पेड़ है, और इसमें केले लगे हुए थे, तो वजन से ये केल का पेड़ टूट गया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सुरेजना की फली लगी हुई है, पर अभी सुरेजना का मौसम चला गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमारे जो घर के पास बाड़ी है उसमें क्या क्या लगा हुआ है, और पहले क्या लगा हुआ था, और अब क्या लगा दिया है। और ये जो नीचे वाली बाड़ी है,
नदी के पास वाली, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि पिछली बार क्या लगा हुआ था और अब क्या लगा दिया है। और चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको और आगे दिखाती हूँ कि और जो एक बाड़ी और बची है उसमें क्या लगा है और उधर जो पेड़ हैं उनमें फल आने लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो चलिए ये सब मैं आपको दिखाती हूँ। पहले बहुत सारे फूल लगे हुए थे तो कितना सुंदर लग रहा था, और अब सारे फूल हटा दिए हैं क्योंकि पेड़ सूख गए थे। तो अब कैसा दृश्य लग रहा है यहाँ का, क्योंकि गर्मियों के मौसम में अक्सर दृश्य चेंज हो जाता है क्योंकि हर तरफ पानी उतना नहीं होता है और सभी जगह हरियाली नहीं हो पाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ गई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो इमली है उसमें इमली लगने लगी है या नहीं। ये आम लगा हुआ है लेकिन इस आम में आम नहीं लगते हैं। और ये जो इमली है तो ये देखिए हवा चली थी तो इमली टूट गई है आधी। और ये देखिए यहाँ पर जो पेड़ पिछली बार हवा में टूट गया था वो अभी इसी प्रकार लटका हुआ है। और इसमें जंगल जले भी लग रही हैं अभी ऊपर, यहाँ से आपको नहीं दिख रही हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जामफल का पेड़ है और इसमें जामफल लगने लगे हैं छोटे छोटे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं छोटे छोटे जामफल लग रहे हैं इसमें, और इस सारे पेड़ में जामफल लग रहे हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसी के पास में है नींबू का पेड़ और इसमें भी नींबू लग रहे हैं। तो ये देखिए नींबू लग रहे हैं इस सारे पेड़ में। और ये देखिए फ्रेंड्स, कुएं के पास भी एक सरिया में बाजरा घास लगाया हुआ है गाय के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर एक पपीते का पेड़ लगा हुआ है और ये चंदन। और ये देखिए ये है कटहल का पेड़, तो मैंने उस टाइम भी बताया था कटहल छोटे छोटे थे। और चलिए अब देखते हैं कि इसमें सारे कटहल तोड़ लिए हैं या कुछ और भी बचे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कटहल लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे कटहल लगे हुए थे तो सारे कटहल बेच दिए हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर छोटे छोटे कटहल लग रहे हैं और अभी जो है सारे कटहल तोड़ लिए और बेच दिए हैं। और यहाँ पर सब्जी भी बना लेते हैं, हमारे घर का कटहल का पेड़ है तो कटहल की सब्ज़ी बना लेते हैं घर पर। और अभी भी कुछ दो तीन कटहल लग रहे हैं इस पेड़ में। और पिछली बार मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कटहल लगा हुआ था तो वो वाला तोड़ लिया है क्योंकि सबसे पहले वही कटहल लगा था और काफ़ी बड़ा हो गया होगा तो तोड़ लिया, और या फिर सब्ज़ी बना ली होगी या फिर बेच दिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो एक बाड़ी है उधर की उस साइड की, तो उसमें भी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसमें क्या लगा हुआ है, कुछ लगाया या नहीं लगाया है पानी की कमी के कारण, और उस वाले कटहल में कटहल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक लौकी का पेड़ लगाया हुआ है ताकि लौकी बड़ी होकर इस चंदन के पेड़ पर और कटहल के पेड़ पर चढ़ जाएगी और बढ़िया बढ़िया इसमें जो है लौकियाँ लगेंगी। और ये देखिए यहाँ पर चमेली का पेड़ है जिसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। यहाँ पर कनेर का पेड़ है और ये देखिए ये भी कनेर का पेड़ है, इसमें पीले फूल लग रहे हैं, ये पीले फूल वाला कनेर है। और ये देखिए एक कुआ है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहीं से दिखाती हूँ जो हमारी वो बाड़ी है उसमें अब आलू खुद गए हैं, आलू खोद लिए हैं और उसमें अभी कुछ भी नहीं लगाया है क्योंकि कुएं में इतना पानी नहीं रहता है गर्मियों के मौसम में। तो जो तीन बाड़ी हैं इधर की वो जमा ली हैं, यानी उनमें फसल लगा दी है। और ये बाड़ी है तो इसमें फसल नहीं लगाई है क्योंकि पानी इतना नहीं है कुएं में। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ पर भी कटहल लग रहे हैं, दो तीन कटहल लग रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कटहल लग रहे हैं इसमें भी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको सारा नज़ारा दिखा दिया है, सारी बाड़ियों में क्या क्या लगा हुआ है, क्या नहीं लगा है, और कौन से पेड़ में फल लगे हैं, कौन से में नहीं लगे हैं, ये सब मैंने आपको दिखा दिया है। तो चलिए अब वापस चलते हैं घर की ओर। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके आल के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।